मीडिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया और हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं आचार्य डॉक्टर दलीप कुमार जी। डॉक्टर दलीप कुमार जी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और डॉक्टरेट की पढ़ाई भी कर चुके हैं ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में। लगभग 37 वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और 21 वर्षों से ज्योतिष विज्ञान की अध्यापक के तौर पर भी ये कार्य कर रहे हैं। और सबसे खास बात, ज्योतिष विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों पर 9 पुस्तकें अब तक इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आचार्य जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद लगभग 10-11 आपने सरकारी नौकरियां भी की और उसके बाद फिर अचानक ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ सर? मैं सरकारी नौकरी करने से पहले ही, मेरे अंकल बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे तो मैं उनसे ज्योतिष की विद्या ले रहा था। लगभग मुझे 37 साल हो गए। उसके ज्योतिष विद्या सीखने के बाद लगभग 2 साल के बाद मेरी नौकरियां लगनी शुरू हुई और ज्योतिष विद्या को मैंने बीच में स्टॉप नहीं किया, वो कंटिन्यू चलती रही। नौकरी भी चलती रही और ज्योतिष के साथ में चलता रहा जी। लगभग 21 साल से मैं ज्योतिष के विभिन्न विषयों पर एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, हैंडराइटिंग एनालिसिस, न्यूमरोलॉजी, इन सब पर भी मैं टीचिंग कर रहा हूँ और 21 साल से 8000 बच्चों को लगभग पढ़ा चुका हूँ, जिनमें कुछ स्टूडेंट मेरे बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं और वो अपना ये कार्य कर रहे हैं। आचार्य जी, लगभग 37 वर्षों से आप ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में हैं, तो अभी तक की जो आपकी यात्रा है ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र की, इसके जीवन का कोई ऐसा संस्मरण जो हमारे दर्शकों के लिए आप शेयर करना चाहेंगे? ज्योतिष विद्या पर आज के समय में बहुत लोग बिलीव करने लग गए हैं, जिसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी है। जैसे आपका भी मीडिया है, ट्रू मीडिया, बहुत बड़ा रोल मीडिया का। लेकिन जब 35-36 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उस समय लोग इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, कई लोग तो बिल्कुल टोटल बिलीव नहीं करते थे। उनमें से मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। लंदन में जब मैं फ्री किया करता था, लंदन से मेरे पास एक सिख फैमिली का फ़ोन आया। उन्होंने कुछ मेरे से मकान बनने के बारे में पूछा कि हमारा मकान बनेगा, कब बनेगा, क्योंकि बन नहीं रहा था। तो उन्हें मैंने एक पर्टिकुलर पीरियड बताया था कि इस पीरियड में मकान बन जाएगा। वो मकान उनका बन गया। फिर उसके बाद उसी परिवार के एक सदस्य ने मेरे से फ़ोन पे कुंडली के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें बताया। वो थोड़ा यंग लड़का था। मैंने उसे बताया कि आपका एक्सीडेंट का योग चल रहा है, आपकी जो दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है उसके हिसाब से आपका योग एक्सीडेंट का है, तो थोड़ा गाड़ी को ध्यान से चलाना। और वो बच्चा था 20-21 साल का, उसने ज़्यादा बिलीव नहीं किया, नहीं माना। लेकिन वो पर्टिकुलर एक पीरियड जो आपको उसको बताया गया था, उस पर्टिकुलर पीरियड में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी गाड़ी 2 या 3 बारी पलट गई। वो खुद तो बच गया क्योंकि उसकी कुंडली में दीर्घायु थी, आयु लंबी थी उसकी, मृत्यु योग नहीं था। लेकिन उसके साथ जो चाची बैठी हुई थी आगे, उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई, मृत्यु हो गई है। उसके बाद वो बहुत बिलीव करने लगा, उनकी सारी फैमिली बिलीव करने लगी। तो ज्योतिष में ये सभी चीज़ें बताई जा सकती हैं। आचार्य जी, लगभग 21 वर्षों से आप ज्योतिष विज्ञान में एक अध्यापक के तौर पर भी कार्यरत हैं, तो ये जो अध्यापक के तौर पर आपकी यात्रा है, ये अभी तक कैसी रही? मुझे बहुत खुशी है कि लगभग 8000 स्टूडेंट्स में से 21 साल से 8000 स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं, बहुत नॉलेज है उन्हें। लगभग मैं ये मानता हूँ मेरे बराबर ही पहुँच चुके हैं, हालांकि मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन वो काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। लेकिन सभी एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। अगर कुंडली में ज्योतिष बनने का योग होगा, क्योंकि ये देवीय विद्या है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके क्लास में बैठ जाए और वो ज्योतिष सीख जाएगा, नहीं सीख सकते। उसके लिए ऊपर वाले की कृपा भी बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ स्टूडेंट तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। आचार्य जी, अगर ज्योतिष विज्ञान की बात करें, तो ज्योतिष विज्ञान में जो भविष्य को लेकर या समस्याओं को लेकर उपाय बतलाए जाते हैं किसी भी ज्योतिष द्वारा, तो क्या वो उपाय करने चाहिए, वो कितने कारगर होते हैं? जब बच्चे का जन्म होता है तो ब्रह्मांड में जो ग्रहों की पोजीशन होती है उसके अनुसार उसकी कुंडली बन जाती है। 60-70% भाग्य बदल नहीं सकता, डेस्टिनी फिक्स हो गई है।
थोड़ा बहुत जो 30-40% बचता है वो हमारे कर्मों के अनुसार बदल सकता है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन अगर मृत्यु लिखी है, मृत्यु तो होगी उस पर्टिकुलर पीरियड में जिसमें लिखी है, मृत्यु ज़रूर होगी, लेकिन उपायों से कष्ट कम हो सकते हैं। या किसी का मकान बनना है, गाड़ी बननी है, नौकरी लगने वाली है, अगर कुंडली में प्रॉमिस होता है तभी वो हो सकते हैं। उपायों से उसमें थोड़े से कष्ट कम हो जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। घटनाओं को टाला नहीं जा सकता, घटना नहीं टाली जा सकती, समस्याएं कम हो जाती हैं, कष्ट कम हो जाते हैं, रुकावटें कम हो जाती हैं, बाधाएं कम हो जाती हैं, लेकिन घटना अगर लिखी है तो वो होके रहेगी। आचार्य जी, ट्रू मीडिया के माध्यम से आप एक अध्यापक हैं, तो एक अध्यापक के तौर पर जो ज्योतिष विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ज्योतिष के जो छात्र हैं, मैं अपने हर सम्मेलन में लगभग एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि आपको ईमानदारी से काम करना है, बायस नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और जो कुंडली में दिख रहा है वो ही बताना है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी, सामने वाले का व्यवहार, सामने वाले का स्वभाव देखकर आपको बोलना है। आपको कुंडली में ही देखना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, बायस नहीं होना चाहिए। मैं 37 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, मैं कभी बायस नहीं होता, और यही मैं ज्योतिष के स्टूडेंट्स को अपने भी देता हूँ और ज्योतिष सीखने वालों को भी यही समझाऊँगा, कभी बायस नहीं होना चाहिए, जो आपको दिख रहा वही बताना चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, डराना बिल्कुल नहीं चाहिए। ट्रू मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आचार्य डॉक्टर दलीप कुमार जी, जिन्होंने अपने जीवन के कुछ संस्मरण शेयर किए, और जो नवांकुर ज्योतिषाचार्य हैं उनके बारे में एक संदेश भी दिया। तो अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आपको अगली वीडियो मिल जाए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बराबर में जो घंटी का निशान होता है उस पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जो आगामी वीडियोज़ होंगे हमारे वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। धन्यवाद।